हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स चित्रांश में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं रायपुर रावणभाटा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड अभी बना हुआ है, कुछ काम चल ही रहा है, तो आज हम दिखाने वाले हैं जो कि सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है टर्मिनल। तो चलो आपको ले कर चलते हैं अंदर। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त होगी। तो ये देखिए, ये है रायपुर का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन टर्मिनल, जो कि यह 6 महीने पहले से बनकर रेडी हो चुका है। कुछ कुछ काम लगभग चल ही रहे हैं यहाँ, जो कि यहाँ लॉकडाउन के दौरान यहाँ सब्जी मार्केट भी लगा था, जो कि यह कुछ रोड के चौड़ीकरण के नाम से यह रुका हुआ है यहाँ का काम। तो यह चौड़ीकरण रोड का काम चल ही रहा है यहाँ से। यह रावणभाटा के नाम से फेमस है यह जगह। तो यह देखिए बाहर से कितना प्यारा लग रहा है यह अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड, यह राजभवन से कम नहीं लग रहा है। तो मैं आपको पीछे से भी दिखाने वाला हूँ, पीछे से और भी अच्छा लग रहा है जितना कि यह सामने, जो कि दिल्ली का नज़ारा होता है सेम वैसे ही नज़ारा है यहाँ। तो ये देखिए पेड़, हरे भरे पेड़ हैं, आपको और पास से भी दिखाने वाले हैं जो कि। और साथ ही मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ से जो कि आपको अंबिकापुर, जगदलपुर, उड़ीसा, गरियाबंद जितनी भी बसें आएंगी यहीं रुकेंगी। और साथ ही आपको बड़े स्क्रीन में यहाँ दिखाया जाएगा कि कौन सी बस कहाँ जा रही है और कितने समय टाइम जाएगी, तो रायपुर का बस कितने टाइम समय निकलेगा दूर के लिए, सभी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा। और साथ ही आपको 3-स्टार होटल भी अवेलेबल है, और आपको यहाँ रुकने के लिए प्रतीक्षालय रूम भी बना हुआ है हॉल। और यहाँ का जो कि फ़ैन है दोस्तों, इतना बड़ा फ़ैन है, आपको मैं वीडियो के ज़रिए भी दिखाने वाला हूँ, तो हम अंदर भी जाकर दिखाएंगे। लिफ्ट विफ्ट की सभी सुविधाएं हैं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ अगर आप पहली बार आएँ तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। और यह टोटल 49 करोड़ की लागत में बन रहा है यह अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड, जो कि यहाँ कार, कैब, सभी तरह की गाड़ियाँ अवेलेबल होंगी। जब भी आपको जो भी चाहिए होगा आप यहाँ से डायरेक्ट आकर बुक कर सकते हैं, या अगर आपको यहाँ से जाना है वो भी आप यहाँ से बुक करके जा सकते हैं। तो यह देखिए कितना नज़ारा बेस्ट है यहाँ। अभी खाली था तो हम आके आपको यहाँ से, किसी को कुछ पता नहीं है यह बस स्टैंड के बारे में, जो कि रायपुर के लोगों को ही पता है, तो मैं यह वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपको भी पता लग जाए कि यह अंदर है कुछ, जो कि रिंग रोड से थोड़ा अंदर है यह। और यहाँ साथ ही सामने की ओर है जो कि एक मंदिर है शिव भगवान का। ये देखिए जूम कर, यहाँ से क्लियर नहीं दिखेगा, बहुत दूर है। और यहाँ पास में दूधाधारी मंदिर है, उसका भी वीडियो मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वहाँ ज़रूर देखिएगा, जो कि राम भगवान, जो कि पत्थर था राम भगवान, वह आज भी पानी में डूबा नहीं है। तो मैं आपको वह वीडियो नेक्स्ट में दिखा। और ये देखिए पास में जाके हम इसको दिखाते हैं, ये कितना प्यारा लग रहा है। साथ ही ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ जाने नहीं दे रहे थे कर्मचारी नगर निगम के, तो मैं आपको पास में ही थोड़ा जाके दिखाने वाला हूँ। ये देखिए कितना 5-स्टार होटल बोलते हैं दोस्तों, ये वैसे सेम है 5-स्टार होटल के जैसे ही। तो हम यहाँ से थोड़ा ऊपर चल के जाते हैं, देखते हैं कि कोई है कि नहीं, या फिर नीचे रिटर्न आना पड़ेगा। तो हम आपके लेके चलते हैं आपको। ये देखिए यहाँ से कितना मस्त लग रहा है यहाँ नज़ारा। यहाँ से शायद कार यहाँ ऊपर जाएगा, अधिकारी वगैरह सभी यहाँ आएंगे। और यहाँ सभी बस संचालक, जब बस स्टार्ट होगा यहाँ से और टेंडर दिया जाएगा, यहाँ कम से कम 400 से 500 बस यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, और व्यू ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए हम आपको नीचे का दिखाते हैं, यहाँ जो कि ये बना हुआ है, काम कुछ रुका हुआ है एक लॉकडाउन के कारण, यहाँ पेड़ पौधे लगने वाले हैं, कितना मस्त लगेगा यहाँ से। अगर आप आएँ तो एक बार ज़रूर देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड टर्मिनल। और यहाँ से थोड़ा और अंदर जाके, जैसे कि मैंने कहा था आपको, यहाँ का फ़ैन बहुत ही बड़ा है, तो वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। ये देखिए कितना बड़ा हॉल है, यहाँ सभी चीज़ की सुविधाएँ हैं। और ये आपको फ़ैन दिखाने वाले हैं हम आपको। देखिए ऐसा फ़ैन आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा, अगर किसी ने देखा भी होगा जो बाहर गए होंगे घूमने, उसी ने देखा होगा। तो ये देखिए ऊपर की ओर देखिए, ये फ़ैन है पूरा। देखिए बोलते थे नहीं पवन चक्की, सेम वैसी है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद, जय माता दी।